दोस्तों आज हमारे पास है यूपी बोर्ड का क्लास 10th का संस्कृत वाला पेपर और आज हम करेंगे इसका रिव्यू और देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक गद्यांश का हिंदी संदर्भ अनुवाद कीजिए। ये क्वेश्चन है 7 नंबर का। इसमें आपको गद्यांश मिल जाएंगे, पैसेज, उन पैसेज को आपको पढ़ना है और उनका हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ उसमें लिखना है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पाठों में किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। अब इसमें आपको किसी एक पाठ का जो आपको सारांश पता है उसका आपको हिंदी में लिख देना है। ये मिलेगा आपको 4 नंबर। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्लोकों में से एक श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। इसमें भी पहले क्वेश्चन की तरह है, इसमें आपको 2 श्लोक दिए गए हैं। अब इसमें आपको इस श्लोक का संदर्भ लिख देना है और अनुवाद हिंदी अनुवाद कर देना है और व्याख्या कर देनी है। ये मिलेगा आपको 7 नंबर। इसके बाद आता है हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें आपको 3 सूक्ति दी गई हैं और आपको इसमें जो सूक्ति आती है उस सूक्ति का संदर्भ लिख देना है और उसकी व्याख्या कर देनी है। इसमें आपको मिलेगा 3 नंबर। और इसके बाद आता है हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में आपको 2 श्लोक दिए गए हैं। इसमें आपको एक श्लोक का संदर्भ और व्याख्या कर देनी है। ये मिलेगा आपको 5 नंबर और संस्कृत में व्याख्या करनी है तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा इसमें। इसके बाद आता है हमारा 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अब इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। 3 में से आपको जिसका चरित्र चित्रण आता है उसका एक का कर दीजिए, आपको मिलेगा 4 नंबर। महात्मना संस्मरणानी, महात्मा गांधी का करना है या बोधिसत्व का या राजा सातवाहन का, 3 में से आप किसी एक का इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा 7वां क्वेश्चन। इनमें है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें आपको जो 2 क्वेश्चंस कन्फर्म आता है उसका आपको आंसर इसमें संस्कृत में लिख देना है और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके बाद आता है हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक का सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यानी कि आपको इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, जो सही हो उसके आगे सही का टिक मार देना है तो आपको इसमें मिल जाएगा 1 नंबर। 8वें में आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दोनों आपको टिक करना है दोनों में। और इसके बाद आता है हमारा 9वां क्वेश्चन। इसमें है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद करके संधि नाम लिखिए। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। किसी एक पद का आपको संधि विच्छेद करना है और उसका संधि नाम लिखना है, इसमें आपको मिलेंगे 2 नंबर। 9वें कखा, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक में सही विकल्प चुनकर लिखिए। स्वागतम में कौन सी संधि है तो इसको आपको लिख देना है कि ये कौन संधि है, तो मेरे हिसाब से 8 संधि है, इसे आपको मिलेगा 1 नंबर। इसके बाद 10वें कखा, तो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। यानी कि आपको इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिस शब्द का रूप आपको आता है उस शब्द का रूप लिख देना है, आपको मिलेगा 1 नंबर। और इसमें जितने वचन में दिया है उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, मिलेगा 1 ही नंबर और उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद खा, इसमें मनसा के पर किस विभक्ति का वचन है तो इसको आपको कर लेना है। इसके बाद आता है हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वें में एक धातु का रूप यहाँ पर निर्देशानुसार लिख देना है, ये मिलेगा आपको 1 नंबर का। इसके बाद 11वें कखा, इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें भी आपको टिक करना है। इसके बाद 12वां, निम्नलिखित समस्त पदों में किसी एक पद का समास विग्रह एवं समास नाम लिखिए। इनमें आपको समास विग्रह करने का 0.5 नंबर और 0.5 नंबर समास नाम लिखने का 1 नंबर मिलेगा। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो आपको आता है उसे आप कर लीजिए। इसके बाद खा, 12वें कखा, इसमें भी आपको सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प का 3 क्वेश्चन आपको हो गया, 1-1 नंबर का सभी है। इसके बाद 13वां, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों में निर्देशानुसार विभक्ति तथा वचन का नाम लिखिए। अब इनमें 2 का करना है, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस, इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, 1 क्वेश्चन का 1 नंबर। इसके बाद 14वां, निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। एक पद का धातु और प्रत्यय लिखने का 2 नंबर, धातु 14वें में आपका 2 नंबर फिक्स है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन, 15वां है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का परिवर्तन कीजिए। 2 नंबर का है, वाक्य परिवर्तन कर दिया। आता है 16वां क्वेश्चन, इनमें वाक्यों के संस्कृत अनुवाद कीजिए। 6 वाक्य हैं, 6ों का संस्कृत अनुवाद करना है, 6 नंबर का है, 1 वाक्य का 1 नंबर। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखिए। 8 वाक्य का निबंध लिखना है, 1 वाक्य पर 1 नंबर, 8ों सही रहेगा तो 8 नंबर, एक ही विषय पर लिखना है, ध्यान रहे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 18वां,
इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं चार पदों पर संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए, चार नंबर। आपको यहाँ पर 8-10 ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ही करना है, चार नंबर आपको मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।